हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात। गुलदाउदी को सैकड़ों फूल पाने के लिए क्या करना चाहिए, तो आज उसी के बारे में मैं ए टू जेड टिप्स दूंगी कि कैसे हम ज़्यादा फूल पा सकते हैं। तो मैं शुरू से एक एक स्टेप बताऊंगी। जो नए बिगनर्स हैं उन्हें इतना पता नहीं रहता है, तो उनको भी उनके लिए भी खास वीडियो है। हेलो फ्रेंड्स, हमें एक कटिंग की बहुत गरज है, तो अभी भी कटिंग लग सकती है क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा हो गया। तो विंटर मैं तो बारिश में ही लगाई हूँ कटिंग, लेकिन अभी मैं कैसा लगाना है वो बताती हूँ। एक ऐसी कटिंग लेना है, बस इतनी सी कटिंग की गरज है हमें। ये देखिए, एक छोटा सा पॉट लेना है, इसमें पूरा मेरा वेल्डन मिट्टी है, 40% गार्डन सॉइल, कोकोपीट, रेत, किचन कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, ये सभी मैं मिक्स करके ये सॉइल बनाया है। और ऐसे हमें रूटीन हार्मोन के लिए एक एलोवेरा लेना है, एलोवेरा का जेल में डिप करना है, ऐसा डिप करके यहाँ पे लगा दीजिए। बस बहुत आसान है, बारिश के समय में बहुत जल्दी कटिंग लग जाती है। और इसको थोड़ा कुछ दिन के लिए सेड एरिया में रख दीजिए, थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। और थोड़ा धूप नहीं, मुझे मॉर्निंग की धूप चलेगी, दिन भर की धूप में नहीं रखना है। नेक्स्ट हमें जैसी कटिंग बढ़ती है, देखिए ये मैंने काफ़ी पहले से लगाया है, ये मेरी पूरी बारिश की है, तो हमें इसे पिंचिंग करते रहना है। बड़ी होने के बाद देखिए ऐसी पिंचिंग करना है। तो पिंचिंग करने से क्या होगा, ये देखिए मैंने पहले पिंचिंग किया था, तो यहाँ पे देखिए कितनी सारी ब्रांच आई है। तो और इसको जैसे थोड़ा बड़ा होता जाएगा तैसे थोड़ा हमें उसको कंपोस्ट भी देना है। वर्मी कंपोस्ट सबसे बेस्ट है, पहले हम तो पहले डाल देते हैं मिट्टी बनाते वक्त, जैसे बढ़ते जाते हैं उनको और खाद की भी गरज रहती है, तो हमें वर्मी कंपोस्ट और बीच बीच में बनाना लिक्विड सरसों की खली थोड़ी थोड़ी कम मात्रा में देना है। जैसे ही जैसे जैसे पेड़ बड़े हो जाते हैं वैसे वैसे उसकी खुराक भी बढ़ाना है। जैसे छोटे बच्चों को हम लोग 5 ml 10 ml उनके एज के हिसाब से मेडिसिन सिरप देते हैं, वैसे ही पेड़ पौधों को भी सेम वैसा ही करना है। बहुत सारा नहीं देना है, जैसे छोटा सा है इसको थोड़ा सा बनाना फर्टिलाइज़र या 15-20 ml ऐसे 50 ml ऐसे ही देना है, एक साथ बहुत सारा नहीं देना है। जब जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे उसका उसकी खुराक का वो भी बढ़ता रहता है प्रमाण। तो उसके बाद हमें क्या करना है, बीच बीच में ऐसी गुड़ाई करते रहना है। और जो हमारे घर में जो पत्ते सूखे हो जाते हैं तो ये सब निकाल देना है। मैं शायद ये पीछे रह गया हो, मैं नहीं निकाल पाई इसलिए मेरा ये ठीक से पौधा हुआ नहीं है। तो बीच बीच में हमें इसका केयर भी करना पड़ता है। ये देखिए ये मैंने केयर किया ही नहीं है, देखिए इसलिए देखिए मिली बग्स भी आया है। तो मिली बग्स में हमें क्या करना है, ये काले कीड़े ये रहते ही है सेवंती के ऊपर, ये अभी क्या बादल आ गया है, मौसम तो चेंज हो गया है, इसीलिए कह रहे हैं अभी धूप नहीं आ रही है 2-3 दिन से साइक्लोन की वजह से, तो इसके वजह से वो कीड़े भी आ गए हैं। तो उसके ऊपर हमें क्या करना है, एक तो स्प्रे करना है, नहीं तो हमें जैसे हम लोग पानी डालते हैं थोड़ा धीरे धीरे ऐसे प्रेशर से पानी भी डालना है तो कीड़े निकल जाएंगे, कि वह नीम ऑयल का स्प्रे करना सबसे बेस्ट है। तो अभी हमें जैसे हमने पौधा लगाया फिर उसके बाद थोड़ा बड़ा हो गया फिर कलियां आ गई, तो हमें पहले पिंचिंग करना है। पिंचिंग के बाद बड्स आते हैं, तो बड्स आने के बाद थोड़ा फिर फर्टिलाइज़र भी देना है। उसके बाद हमें ये सब पत्ता निकाल देना है क्योंकि एयर अच्छे से होना चाहिए, नीचे से पूरे पत्ते क्लीन कर देना है, सिर्फ दाहिनी दिखनी चाहिए तभी ऊपर हवा अच्छी लगेगी, एयर अच्छी लगेगी। फिर उसके बाद हमें इसको खुराक बढ़ना जैसे जैसे बढ़ता है उसको खाना भी देना पड़ता है, जैसे बच्चों को हम लोग 6 महीने के बाद बच्चों को खाना देते हैं वैसे ही इनको भी देना है। तो सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र क्या है, चाय की पत्ती, चाय का पाउडर। ये जैसे हमारे घर में चाय बनता है मैं वॉश करके हर एक गमले में डाल देती हूँ, एक तो सूखा के डालती हूँ ये, नहीं तो अपने जैसे यूज़ किया वाली है वो भी डाल देती हूँ। तो अच्छे से धो लेना है,
तो ये भी बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है अपने सेवंती के लिए। तो मेरे डेली मैं अपने घर के एक एक गमले में थोड़ा थोड़ा चाय पाउडर डालती रहती हूँ, फिर उसके ऊपर मिट्टी डाल दीजिए। तो ये 15 दिन में एक एक बार करना है, हर एक दिन में एक एक फर्टिलाइज़र नहीं देना है, हमें कुछ दिन की गैप रखना है, नहीं तो क्या है ना पेड़ पौधों पे थोड़ा फूल पेड़ सूखने का भी चांसेस रहते हैं, इसलिए गैप रखना है 10 या 15 दिन के बाद, ऐसे ही देते रहना है। चाय पाउडर हो गया, फिर ऐसे उसके बाद हमें 15 दिन के बाद क्या है ना सरसों की खली, ये देखिए ये है सरसों की खली, मैं काफ़ी वीडियो भी शेयर किए हूँ तो दिखाने के लिए। ऐसी एक मस्टर्ड केक है, बहुत सस्ता है, 40 रुपये kg, एक साथ ला के रखो तो वह साल भर हमें चलती है। तो इसको पानी में 2-3 दिन थोड़ा सा इससे छोटा टुकड़ा लेना है, 1-2 लीटर पानी में भिगो के रखिए, फिर उसके बाद कुछ और पानी मिला के हम पेड़ पौधे को दे सकते हैं। अभी विंटर चल रहा है तो सरसों की खली गर्म रहती है तासीर, तो इस मौसम में सरसों की खली सबसे बेस्ट है। उसके बाद हमें क्या करना है वो तो हो गया है, तो कुछ दिन के बाद हमारे घर में प्याज रहते हैं, बहुत सारे छिलके पड़े रहते हैं, उसको 2-3 दिन पानी में भिगो के रखिए। और जैसे ये 1 लीटर बॉटल है तो हमें 5 गुना ज़्यादा पानी डाल के थोड़ा थोड़ा 200-300 ml, जैसे बड़े बड़े पौधे रहते हैं वैसे हिसाब से हमको ये भी देना है। इसमें पोटेशियम सल्फर नाइट्रोजन सब कुछ है प्याज के ओनियन लिक्विड फर्टिलाइज़र में, होममेड। तो उसके बाद वो हो गया, तो कभी कभी हम लोग ये संतरे का छिलकों का भी लिक्विड दे सकते हैं, बनाना दे सकते हैं, मैं हमेशा बनाना ये सभी मैं खूब बहुत सारे मेरे बायो एंजाइम सब रेडी करके रखे हैं, मैं बना के रखती हूँ, तो मुझे टाइम पे कुछ इतना करना नहीं पड़ता है। जब थोड़ा इसी को 2-3 दिन के लिए रखना है, तो ऐसे ही हमारे पेड़ पौधे को देखिए कितने बढ़िया फ्लावर्स आ रहे हैं। और एक बात बहुत मैं सपोर्ट की बहुत गरज है, देखिए मैंने थोड़ी गलती की, माय मिस्टेक के वजह से मेरे पेड़ बहुत दहनीय ज़्यादा हेवी कलियाँ आने के वजह से बहुत दहनीय मेरी इसके पहले टूट गई है, तो आप प्लीज़ पहले से सपोर्ट रखिए। जब गमला हम लोग कुंडी बनाते हैं उसी वक्त, क्योंकि बाद में वो लकड़ियाँ ठीक से नहीं जाती है, तो मैंने अभी थोड़ा किया है, देखिए सपोर्ट बहुत गरज है, क्योंकि वो उसका हेवी हो जाता है और इससे नाजुक रहते हैं, तो हमें बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है सपोर्ट करना। तो देखिए मैंने यहाँ पे सपोर्ट किया और बंच के जैसा भी दिख रहा है और दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसको बहुत नाजुक तरह से पानी देना है। और एक बात ज़रूरी है, जब फूल खिलते हैं तो उसको धूप में ही रखना है, जहाँ पे धूप आती है वहीं पे रखना है, क्योंकि धूप में ही ये फूल खिलते हैं। और जब हम लोग पानी डालते हैं प्लीज़ इसके ऊपर पानी मत पड़ने देना, क्योंकि उससे कलियाँ ये फ्लावर्स की पंखुड़ियाँ ख़राब हो जाती है पानी उसके अंदर रहने की वजह से, धूप रहने से सूख जाएगा, लेकिन जहाँ पे धूप नहीं रहता वहाँ पे पानी रहेगा तो वो सड़ जाएगा या फंगस आ जाएगा, तो पानी नहीं देना है। तो ऐसे ही सेवंती को हम लोग सैकड़ों फूल पा सकते हैं, ये देखिए। और थोड़ा थोड़ा कभी कभी DAP भी दे सकते हैं, 4-5 दाने मैं एक बार दे चुकी हूँ। और गोबर का खाद ये भी बहुत अच्छा रहता है, मैं डाली हूँ, ये देखिए पुराना डालना है, कि वो इसका लिक्विड भी लिक्विड फॉर्म में भी हम लोग गोबर का लिक्विड दे सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट मेरा तो पूरा नया है, इसमें सब कुछ है इसमें, तो मुझे इतना भी नहीं डाले तभी चलेगा। तो आप बीच बीच में ऐसे खाद देना है, वर्मी कंपोस्ट देना है, थोड़ा थोड़ा मुट्ठी मुट्ठी, चाय पाउडर बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे सब कुछ केयर करेंगे तो हमें इतना सुंदर रिजल्ट मिलेगा, देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जो नए व्यूवर्स आए हैं प्लीज़ मेरा वीडियो सब्सक्राइब करिए, आपको फिर नोटिफिकेशन मिलेगी, तो आपको हर एक चीज़ टिप्स देखने को मिलेगा। और एक लाइक करने प्लीज़ भूलिए मत, लाइक करना भूल जाते हैं, तो एक लाइक बनता है।